हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ है उर्वशी। शी इज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड शी इज हियर टू गाइड यू ऑल अबाउट व्हाट इज यूआई एंड यूएक्स डिजाइन, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। शी इज आल्सो गोइंग टू रिकमेंड यू सम बुक्स एंड रिसोर्सेज जहां पे जाके आप सीख सकते हैं। एंड शी इज आल्सो गोइंग टू गाइड यू अबाउट कि पोर्टफोलियो आपको कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें आपको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करनी है। शी इज आल्सो गोइंग टू रिकमेंड यू सम रिसोर्सेज दैट आर गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर डिजाइन स्किल्स। जब उर्वशी अपने कॉलेज में थी तभी उन्होंने UI UX डिजाइन का सफर स्टार्ट कर दिया था। तभी वो कॉलेज के टाइम पे कुछ कोर्सेज लेती रहती थी, कुछ UI UX चैलेंजेस लेती रहती थी टू इम्प्रूव हर क्रिएटिविटी, टू इम्प्रूव हर डिजाइन। सो शी इज गोइंग टू गाइड यू ऑल अबाउट कि UI UX डिजाइन होता क्या। नॉट ओनली दिस, उर्वशी इज ऑल्सो गोइंग टू गाइड यू अबाउट कैसे आखिर आपको इस फील्ड में जॉब और इंटर्नशिप मिलेगी। जैसे ही उर्वशी ग्रेजुएट हो गई थी उन इंटर्नशिप का ऑफर भी आया था और इंटर्नशिप करने के बाद फिर उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। सो शी इज गोइंग टू गाइड यू अबाउट इंटर्नशिप, कैसे आपको जॉब मिलेगी, कितने राउंड्स होते हैं, कैसे आपको क्वालिफाई करना है, क्या क्या आपको असेसमेंट राउंड में बनवाई जाती है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शी इज गोइंग टू हेल्प यू। सो लेट्स वेलकम उर्वशी। हाय उर्वशी। हाय अंजल। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपने स्टार्टिंग कैसे की यूआई यूएक्स की और आखिर आप कैसे इस फील्ड में आए हैं। तो एक्चुअली मैं शुरुआत में जब मैंने पूरा मतलब स्टार्ट ही किया था तब मैं ड्राइंग करती थी, स्केचेस बनाती थी। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसको डिजिटल आर्ट में मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने फोटोशॉप वगैरह इलस्ट्रेटर वगैरह ट्राई किया। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई मतलब डिज़ाइन में जाने की। तो उस टाइम पे मैंने फोटोशॉप सीखा था, तो मैं फोटोशॉप मैनिपुलेशन भी करती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगने लगा कि इसमें कुछ मतलब मज़ा नहीं आ रहा था उस चीज़ में, फिर उसमें कुछ आइडियाज़ भी कम आते थे। तो उसके बाद मैंने कुछ पोस्ट देखे अबाउट यूएक्स, तो मैंने सोचा कि क्या है, मेरे को भी थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई जानने की। देन मैंने उसको गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब सीखना शुरू किया। तो उसके बाद मैंने एक डिज़ाइन स्कूल ज्वाइन किया, डिज़ाइन विंग स्कूल। वहाँ पर मैंने 4 मंथ्स यूएक्स बूट कैंप किया। तब मेरी बैचलर्स भी चल रही थी क्योंकि कोविड टाइम था तो जाना नहीं पड़ता था, तो वो ऑनलाइन ही होता। तो फिर वो 4 मंथ मैंने वही किया है। उसके बाद मैंने इमीडिएटली कहीं ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज भी था, बट मेरे को अपनी स्किल्स और डेवलप करनी थी क्योंकि मेरी डिज़ाइंस बिल्कुल भी सही नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने कुछ देखा मतलब गूगल वगैरह पे सर्च किया, तो मुझे डेली UI चैलेंज एक मिला। वो उसमें 100 डेज चैलेंज होता, ईमेल पे वो प्रॉम्प्ट भेजते हैं, उस पर हमें डिज़ाइन करना हो। 5 दिन करती थी और उसको रिकॉर्ड भी करती थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो मैंने उस पर UX वीडियो भी डालना शुरू किया अपने यूट्यूब पे, क्योंकि उस टाइम पे वो फोटोशॉप मैनिपुलेशन चल नहीं रहा था। देन फिर जब 100 डेज हो गए तो मेरी डिज़ाइंस काफ़ी इम्प्रूव हुई उससे। अगर आप सबसे पहली डिज़ाइन देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे और अब की देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा, वो उस चैलेंज की वजह से है, डेली UI चैलेंज की वजह से। देन इससे पहले जब मेरा 100 डेज UI मतलब चल ही रहा था, तब मैंने एक इंटर्नशिप भी करी थी स्टार्टअप में, तो वो पहली इंटर्नशिप थी। उसके बाद जब मेरा और मतलब डिज़ाइंस और इम्प्रूव होती गई, मैंने फिर हैंड्स पे डालना शुरू किया है, लिंक्डइन पे भी डालना शुरू किया है, इंटरेक्ट करना शुरू किया लोगों से। उसके बाद मेरे पास ऑफर आया था थेंस डिज़ाइन स्टूडियो से, वहाँ पे मैंने 8 मंथ्स इंटर्नशिप करी। उनके फुल टाइम करने से पहले मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम्स थे, तो फिर भी मैंने डिज़ाइन को कंटिन्यू रखा। देन मैंने दिसंबर में फिर से मतलब शुरू किया कि मैं कैसे मतलब ढूंढूँ जॉब दूसरी, तो फाइनली मैं कुछ दिन बाद मिल गई थी। देन मैंने 1 जनवरी को वहाँ पे ज्वाइन किया। तो एज यू टोल्ड के आपको पहले इंटरेस्ट नहीं था ग्राफिक मतलब कि फोटोशॉप वगैरह में, देन यू स्विच टू UI UX। तो व्हाट एग्जैक्टली UI और UX में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली UX क्या होता है, जब हम भी कोई ऐप या वेबसाइट खोल रहे हैं तो उस टाइम में जब हम उसको यूज करते हैं तो उसको लेके हमें क्या फील हो रहा है, वो हमारा यूजर एक्सपीरियंस है, मतलब हमारे लिए वो एक्सपीरियंस है, बट हम जो डिजाइनर्स हैं, UX डिजाइनर्स हैं, वो हमारे लिए क्या है, यूजर एक्सपीरियंस है कि हमारा यूजर उस ऐप या वेबसाइट को लेके क्या फील करता है। एंड अगर हम UI में जाएंगे तो UI क्या होता है, जब आप ऐप खोल रहे हैं तो आपके सामने जो भी कलर्स, बैनर्स, पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो भी विजुअल्स पार्ट है, वो हमारा UI डिजाइन होता है या UI होता है। कि आपने एक डिजाइन स्कूल ज्वाइन किया था एंड देन फिर उधर से आपने अपना चीजें सीखी थी, बट इट इज कंपलसरी कि अ पर्सन शुड ज्वाइन अ सच डिजाइन स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा ज्वाइन करना जरूरी है क्या, और अ पर्सन कैन लर्न ऑनलाइन? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप अपने आप ही मतलब सीख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो और सीख सकते हो।
पर मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। या वो राइट पाथ नहीं पता थे कि एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करें, वो गाइडेंस नहीं था। ऐसे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने डिजाइन स्कूल ज्वाइन कर लिया। बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप अपने आप भी सीख सकते हो, यूट्यूब से भी सीख सकते हो आराम से। मैं कुछ प्लेलिस्ट भी सजेस्ट कर दूंगी जिससे आप सीख सकते हो। सो क्या आप कुछ ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज शेयर करेंगे जिससे आप पर्सन कैन लर्न यूआई यूएक्स? पहले तो बुक्स पे आते हैं। बुक्स में सिर्फ एक बुक सबसे अच्छी है जो आप एज अ बिगेनर आप पढ़ सकते हो और आपको समझ भी अच्छे से आएगी, वो है द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स बाय डॉन नॉर्मन। काफी आप आराम से समझ सकते हो कि वो काफी इजीली उन्होंने समझाया हुआ है। उन्होंने उसमें ये समझाया है कि यूजेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है अपार्ट फ्रॉम विजुअल्स, तो उसमें इस चीज पर फोकस किया गया है। उसमें सिर्फ ऐप और वेबसाइट पे नहीं, फिजिकल प्रोडक्ट्स पे भी बताया गया है एग्जांपल्स से। इसके अलावा अगर हम प्लेलिस्ट पे आए, फिग्मा बिगिनर प्लेलिस्ट जो आप देख सकते हो, उसमें वो एज अ बिगिनर आप कैसे सीख सकते हो वो उसमें आपको बताएंगे। और एक है ऑफिस प्लेलिस्ट जो उसके बाद आप ले सकते हो, मतलब सीखने के लिए फिग्मा को फर्दर। और चैनल्स के लिए पहला तो है पुनीत चावला, उनके वीडियोस काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं, काफ़ी वो अच्छे से समझाते हैं चीज़ों को, और वो काफ़ी सारे कोर्सेज रिसोर्सेज भी सजेस्ट करते हैं जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे, तो आप उनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। एक है द जेसी शो, उसका नाम शायद आपने सुना होगा, वो भी काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, यूएक्स के ऊपर ही बनाते हैं सारे। देन है करियर फाउंड्री, उनके काफ़ी सारे वीडियोस हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स पे, बट उनके यूएक्स पर भी हैं और इन चीज़ों पर भी हैं कि आप कैसे जॉब लगा सकते हैं। देन है एक फ्लक्स अकेडमी है, वो फिग्मा और विजुअल डिज़ाइन इनसे रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। और एक और है ब्रिंग योर ओन लैपटॉप, उनके फ्री कोर्सेज हैं यूट्यूब पे, इस पर आप 3 या 4 घंटे में पूरा एक मतलब फिग्मा एडोबी एक्सडी सारा कुछ सीख सकते हैं। तो अभी आपने बोला फिग्मा एडोबी एक्सडी, तो क्या क्या टूल्स आना चाहिए? टूल्स अगर आपको सीखने हैं, अगर आप बिगिनर हो तो आपको मैं सिर्फ ये रिकमेंड करूंगी आपकी फिग्मा सीखो, क्योंकि फिग्मा काफी ईजी टू यूज होता है और आजकल सारे कंपनीज जो है फिग्मा ही यूज करती है। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सीखना है तो एडोबी एक्सडी भी आप सीख सकते हैं, वो भी काफी ईजी है, मतलब कि दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड जो स्केच है, एक और सॉफ्टवेयर है स्केच, वो भी है बट वो मैक के लिए है सिर्फ, तो आप उसको रहने दीजिए, आप एडोबी एक्सडी और फिग्मा पर फोकस करो। पर फिग्मा पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि आजकल सारी कंपनीज वो ही यूज़ कर रही है। देन हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो, इफ हमने सॉफ्टवेयर सीख लिए, हमने रिसोर्सेज देख ली कि आखिर बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग तो आ गई, लेकिन आखिर पोर्टफोलियो कहाँ पे और कैसे बनाई जाती है, और आपने अपनी पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ बनाई है? मैंने अपना पोर्टफोलियो बिहेंस पे ही बनाया, लोग अपने वेबसाइट्स भी बनाते हैं, नोशन पे भी बनाते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी एज ए बिगिनर आप बिहेंस पे पोर्टफोलियो बनाइए, ड्रिबल पे बनाइए, और उस पर एक केस स्टडी जरूर डालिए। यूएक्स केस स्टडी बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होती है, जब रिक्रूटर होते हैं वो आपकी केस स्टडी ही देखते हैं, क्योंकि उनको जानना होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, या फिर आप डिजाइन जब करते हैं तो आप उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप पूरा सीखेंगे यूएक्स को तो आपको समझ में आएगा कि आप केस स्टडी कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 2 UX केस स्टडीज तो ऐड करनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बना देती है। इसके अलावा आप अपने डिज़ाइंस को भी ऐड कर सकते हैं, डिज़ाइंस ऐसे ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने किया था, UI चैलेंज किया था, आप वो कर सकते हैं ऑन द डेली बेसिस और अपना प्रोग्रेस दिखा सकते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, और उस दिन तक जब आपका 100th डिज़ाइन होगा उस दिन तक आप अपना प्रोग्रेस उससे दिखा सकते हैं। वॉट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर UI UX? काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि अगर आप UX मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो उसमें UX मैनेजर्स होते हैं, UX डायरेक्टर्स होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, और अगर आप सिर्फ UX में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सिर्फ UX वाला डोमेन जो होता है, UX कंसल्टिंग बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, तो उसमें होते हैं UX रिसर्चर होते हैं, उसमें UX राइटर होते हैं, UX इंजीनियर होते हैं। और अगर आप विजुअल्स में जाना चाहते हैं यानी कि UI में जाना चाहते हैं तो उसमें विजुअल डिज़ाइनर्स हैं, इंटरेक्शन डिज़ाइनर्स हैं, और UI डिज़ाइनर्स हैं, सीनियर UI डिज़ाइनर्स हैं, तो उसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा उस चीज़ का। अपने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो कितने राउंड्स होते हैं, क्या प्रोसेस होती है प्रॉपर जॉब की? तो पहले ही जो मैंने की थी वो स्टार्टअप थी, तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं था, मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिया तो हो गया था। फिर नेक्स्ट कंपनी जो थी उसमें 3 राउंड्स हुए थे, पहला राउंड में उनके एक डिज़ाइन रिक्रूटर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसके बाद उन्होंने मुझे एक असेसमेंट दिया था पूरा करने के लिए,
जो कि शॉर्टलिस्ट होने के बाद मेरा फिर फाइनल राउंड हुआ था उनके सीनियर मतलब सीनियर डिजाइनर्स के साथ। तो यूजुअली 3 rounds ही होते हैं, जैसे कि क्या होगा कि जैसे कि आपने अप्लाई किया तो आपके पास HR का कॉल आएगा, वो बता देंगे कि आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है, देन वो आपको असेसमेंट भेज देंगे, असेसमेंट आपका क्लियर हो जाता है, देन उसके बाद होता है एक और राउंड जिसमें वो देखते हैं कि आपने असेसमेंट कैसे सॉल्व किया, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे उसके रिगार्डिंग कि आपका डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, आपने ऐसे क्यों किया, आपने कलर्स ऐसे चूज क्यों किए, वो सारी चीज़ें उसमें पूछते हैं। देन फाइनल राउंड में यूजुअली वो क्वेश्चंस कम ही पूछते हैं, कभी कभार होता है कि वो पूछ लेते हैं, बट वो मोस्टली इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन होता है आपको जानने के लिए, क्योंकि वो बेसिकली आप सिलेक्ट हो गए होते हो तो वो एंड कॉल होता है कि हाँ हम आपको हायर करने वाले हैं और आपके बारे में सिर्फ पूछते हैं कि मतलब एक तरह से जानते हैं। जो असेसमेंट राउंड या जो टास्क राउंड होता है तो उसमें किस टाइप के टास्क दिए जाते हैं कंप्लीट करने के? बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देते हैं वो, और नीचे फिर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स दे देते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए प्रॉब्लम मतलब कुछ पॉइंटर्स दे देते हैं जो हमको कंसीडर करने हैं उसको मतलब सॉल्व करते हुए। तो मैंने काफ़ी सारे मतलब किए थे जब मैंने अप्लाई किया था, और अभी रिसेंटली मैंने किया था तो उन्होंने एक रीडिजाइनिंग का दिया था, वो काफ़ी सारे पॉइंटर्स दिए थे, जैसे कि हमें ब्रांड गाइडलाइंस के साथ मतलब उसको भी ब्रांड गाइडलाइंस को सेंटर में भी उसको भी रखना है, यूजर्स को भी रखना है, और उसके यूज़र एक्सपीरियंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी हमें सोचना है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। देन लास्ट क्वेश्चन उर्वशी के, अभी जो बच्चे कंफ्यूज हैं यूआई यूएक्स में कि आखिर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो 5 tips जो उनको हेल्प करेंगी टू स्टार्ट टू गेट अ प्रॉपर रोड मैप कि हाँ हाँ ये पॉइंट्स करने हैं एंड देन हमें समझ में आ गया कि कैसे कैसे चीज़ें रहेंगी। तो बेसिकली पहले आपको क्या करना है, ये नहीं है कि आपने डिज़ाइन शब्द सुन लिया आप डिज़ाइन पे ही मतलब चले जाओ एकदम से डिज़ाइन करने लगो, नहीं, आपको पहले उसके बेसिक कंसेप्ट समझने हैं कि वो है क्या, फिर आपको लगे कि हाँ ये मैं ये ही चीज़ मुझे करनी है आगे चल के, देन आप कोई कोर्स ले सकते हैं या फ्री कोर्स ले सकते हैं, गूगल यूएक्स सर्टिफिकेशन कोर्स ले सकते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर है एंड गूगल पे जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको पढ़ाएंगे उसमें, काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि मैंने भी लिया था वो कोर्स। एंड इसके अलावा जब आपका कोर्स हो जाए, कोर्स के साथ साथ भी आप कीजिए, क्योंकि कोर्स के साथ साथ वो आपको टास्क देंगे, जैसे कि आपको यूएक्स केस स्टडी करने को देंगे, आप जैसे कि जैसे आपको कुछ समझा दिया एम्पैथी मैप समझा दिया तो आपको एम्पैथी मैप बनाना है, कैसे बनाओगे उसकी प्रैक्टिस करो, मतलब साथ ही साथ करते रहो जैसे कि आपको समझ आए कि वो क्या है। देन उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की बात आती है, जब आपने कोर्स कर लिया तो आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो आप अपने आप खुद से एक यूएक्स केस स्टडी पर काम करें। उससे पहले अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है कि कैसे स्टार्ट करना है तो आप मीडियम पे भैंस पे यूएक्स केस स्टडीज देख सकते हो कि लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब समझने के लिए कि कैसे होता है। देन उसके बाद अपना यूएक्स केस स्टडी स्टार्ट कीजिए, मैं ज़्यादा डीप में नहीं चाहूँगी क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, जब आप थोड़ा सीखेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि क्या होता है यूएक्स केस स्टडी। देन उसके बाद आप डेली यूआई चैलेंजेस ले सकते हैं या यूएक्स चैलेंजेस ले सकते हैं जो कि क्राउन और डेली यूआई पर है, जैसे कि साइड बाय साइड आपकी वो स्किल्स भी इम्प्रूव होती रहे, डिज़ाइन स्किल्स और आपकी यूएक्स स्किल्स। ये नहीं है कि अगर आप यूएक्स में जाना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि यूएक्स डिज़ाइनर्स भी डिज़ाइन करते हैं, वायर फ्रेमिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, तो आपको उसमें डिज़ाइन का सेंस होना चाहिए कि क्या कलर क्या मतलब कैसे चीज़ें यूज़ करनी है हमको, ठीक है। और ऐसे ही विजुअल डिज़ाइनर्स के लिए भी है कि ये नहीं कि आप डिज़ाइन में जा रहे हो तो आप बिल्कुल यूएक्स भूल जाओगे, नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वो यूजेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो और एन्जॉयबल हो। ये नहीं है कि आपने कुछ भी डिज़ाइन कर दिया और वो जो यूज़र है वो स्ट्रगल कर रहा है उसको यूज़ करने में, तो उसको टेस्टिंग भी करनी होती है कि वो चीज़ सही है कि नहीं, फंक्शनल है कि नहीं। और लास्ट सिर्फ मैं ये कहूँगी कि आपको कंसिस्टेंट रहना है इस चीज़ में, मतलब प्रैक्टिसिंग में, सीखने में चीज़ों को, ये नहीं कि आप सोचें कि मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, परफेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी अभी तक सीख रही हूँ, मैं भी बहुत सारे कोर्सेज लेती रहती हूँ यूडेमी पे सीखने के लिए, तो आपको सीखते रहना है, सीखना कभी बंद नहीं करना है और कंसिस्टेंट रहना। थैंक यू उर्वशी, बहुत कुछ समझा दिया आपने, आई थिंक अब सब बिगनर्स के लिए समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज यूआई यूएक्स, एंड होप हम फिर से मिलते हैं एंड फिर से नेक्स्ट पॉडकास्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।